भोजपुर जिले की तरारी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भोजपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीएम तरह शिवदानिया व एसपी मिस्टर राज ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि 13 नवंबर को तरारी उपचुनाव को लेकर मतदान होगा। डीएम ने बताया कि तरारी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। पीरो एसडीओ अनिल कुमार निर्वाचित पदाधिकारी बनाए गए हैं। तरारी विधानसभा में कुल 321 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें पीरो में 85, तरारी में 147 व सहार में 99 बूथ है। इसके साथ ही संवेदन व अति संवेदनशील बूथों का आकलन किया जा रहा है। 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। नाम वापसी 30 अक्टूबर तक होगा। वहीं 13 नवंबर को मतदान व 23 नवंबर को मतगणना कराई जाएगी। इसके साथ ही 25 नवंबर तक निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस उपचुनाव में 3,08,907 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाता 1,63,278, महिला मतदाता 1,45,625 व अन्य मतदाता 4 हैं। 3108 दिव्यांग मतदाता व 85 वर्ष से अधिक आयु के 2550 मतदाता हैं, जो घर बैठे डाक पत्र के माध्यम से वोट डाल सकते हैं। उन्होंने अपील करते हुए आगे कहा कि उपचुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मतों का प्रयोग करें। लोगों को विद्यालय, जीविका दीदी सहित सभी सरकारी संस्थान व स्वीप गतिविधियों से जागरूक किया जाएगा। मतदान में इपिक के अलावा आधार कार्ड, पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित 12 दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं। एसपी मिस्टर राज ने बताया कि निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव कराने को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। आर्म्स का सत्यापन, सीसीए का प्रस्ताव, शराबबंदी के खिलाफ कार्रवाई सहित सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। किसी भी मतदाता को प्रलोभन या डराने धमकाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि 196 तरारी विधानसभा क्षेत्र के संबंध में विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 के संबंध में डायरेक्शंस दिए गए हैं, दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। जो निर्धारित कार्यक्रम है वो इस प्रकार है। अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि 18 अक्टूबर 2024, नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024, नाम निर्देशन पत्र के संवीक्षा की तिथि 28 अक्टूबर 2024, अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2024 है, मतदान की तिथि 13 नवंबर 2024, मतगणना की तिथि 23 नवंबर 2024, निर्वाचन प्रक्रिया जब तक संपूर्ण पूरी रूप से कंप्लीट कर लेना है उसकी तिथि 25 नवंबर 2024 है। इस उपचुनाव के लिए जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, हमारे आरओ हैं, वो श्री अनिल कुमार अनुमंडल पदाधिकारी पीओ हैं। इस विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 3 प्रखंड यथा तरारी, पीरो और सहार कुल 331 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 85 मतदान केंद्र पीरो प्रखंड के हैं, 147 मतदान केंद्र तरारी प्रखंड के हैं और 99 मतदान केंद्र सहार प्रखंड के हैं। इसमें रूरल मतदान केंद्र 303 हैं और अर्बन मतदान केंद्र 28 हैं। अभी जो कुल निर्वाचक हैं इस विधानसभा अंतर्गत वो 3,08,907 हैं, जिसमें पुरुष निर्वाचक 1,63,278, महिला निर्वाचक 1,45,625 हैं, अन्य निर्वाचक 4 हैं और जो हमारे दिव्यांग निर्वाचक हैं इसमें वो 3,108 हैं। 85 वर्ष से अधिक उम्र के निर्वाचक 2,550 हैं, सर्विस वोटर्स हैं वो 1,913 हैं। जो हमारे मतदान केंद्र हैं वो कुल 205 पोलिंग स्टेशन लोकेशन में अवस्थित हैं। इस निर्वाचन के संबंध में जिला में हमारे पास सफिशियंट नंबर में बीयू, सीयू, वीवीपैट तीनों उपलब्ध हैं। उसके साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि जो आदर्श आचार संहिता है वो सिर्फ तरारी विधानसभा क्षेत्र में लागू है। भारत निर्वाचन आयोग का संशोधित नियमावली प्राप्त है, जिसमें यह लिखा है कि जिन जिन जिला में नगर निगम क्षेत्र अवस्थित होते हैं उसमें सिर्फ जो विधानसभा
निर्वाचन हेतु जा रहा है सिर्फ उस क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके तहत कुछ आवश्यक कार्रवाई अविलंब करानी होती है, जैसे उस क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर सारे जो पोस्टर पैम्फलेट्स अन्य हैं किसी भी तरह के किसी पार्टी विशेष किसी सरकारी योजना से रिलेटेड उनको हटाना होता है। 48 घंटे के अंदर सभी राजनीतिक विज्ञापनों से संबंधित जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं या जो भी अन्य स्थल हैं उनसे हटाना होता है। कोई प्राइवेट स्थल पर हो तो उसमें NOC स्पष्ट होनी चाहिए कि उनके जानकारी में ही यह प्राइवेट स्पेस को यूज़ किया गया है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर पैम्फलेट बैनर या वॉल राइटिंग के लिए। सरकारी वाहनों का उपयोग पूर्ण तरह से जो राजनीतिक पार्टी अभ्यर्थी या निर्वाचन से संबंध व्यक्ति हैं जो उनका सरकारी वाहन है वो उस क्षेत्र में वो पूर्णतः प्रतिबंध होता है, तो वो उपयोग में नहीं ला सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो अन्य जिस भी प्रकार की आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइंस है उसका 100% अनुपालन किया जाएगा। इस भी मतदान केंद्रों पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी प्रदान की जानी है जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं। साथ ही 85+ एज्ड वोटर्स के लिए, दिव्यांग मतदाताओं के लिए और अगर आवश्यक सेवा के मतदाता हैं उनको बैलेट से वोट करने की भी परमिशन है। जो हमारे 85+ के मतदाता हैं और दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए यह सुविधा है कि एक फॉर्म 12D है, अगर वो भरते हैं तो घर बैठे अपना मतदान कर सकते हैं। और सभी मतदाताओं से अनुरोध होगा कि इस मतदान में पार्टिसिपेट करें। जिला प्रशासन की तरफ से सभी प्रकार की आवश्यक तैयारियां कराई जाएंगी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए, और इसके लिए विभिन्न कोषांगों का गठन और जो भी आवश्यक तैयारियां हैं यह अविलंब करा लिया जाएगा जिससे निर्वाचन संपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रूप से कराया जा सके। अब सुरक्षा प्रबंधों के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। तैयार किया जाएगा जो भी हम लोगों को मुख्यालय से फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा उसके आलोक में हम लोग संपूर्ण रूप से फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार करेंगे। जिस भी प्रकार का हम लोगों को आदेश प्राप्त होता है या फोर्स प्राप्त होता है उसके अनुसार किया जाएगा फोर्स। तो जी स्पष्ट दिशा निर्देश हैं और लगातार हम लोग स्वीप गतिविधियों के आलोक में पब्लिक को मोटिवेट भी करते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमारे जितने सरकारी संस्थान हैं उनके माध्यम से, चाहे वो स्कूल्स हैं, जीविका हैं, ICBS हैं, अन्य जितने भी संस्थान हैं उनसे, उनके माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाएगा, स्वीप गतिविधियां कराई जाएंगी। मतदान केंद्र की पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी ताकि किसी भी वोटर को यह समस्या ना हो, उनको जानकारी प्रॉपर मिले अपने मतदान केंद्र के संबंध में। BLOs भी घर घर जाकर प्रॉपर मतदाता पर्ची का वितरण करेंगे जिससे सभी वोटर्स को प्रॉपर ससमय जानकारी हो, और हम मतदाताओं से लगातार अपील भी करेंगे। मीडिया के माध्यम से भी हम लोग ये अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को जागरूक किया जाए और वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए। एपिक के अलावा कुल 12 दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग ने संसूचित किया है। प्रमुख एपिक ही रहेगा, उसके अलावा आधार है, मनरेगा जॉब कार्ड है, पासबुक है विद फोटोग्राफ इश्यू में बैंक या पोस्ट ऑफिस, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड अगर किसी सरकारी एम्प्लॉय को इश्यू है, और UDID कार्ड जो भारत सरकार की तरफ से इश्यू होता है। तो ये पूरा डिटेल्स भी हम आप लोगों को उपलब्ध करा दे रहे हैं, मॉडल गाइडलाइंस और जो भारत निर्वाचन आयोग का पूरा गाइडलाइंस वो भी आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी किया गया है, इस संबंध में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे और जो प्रिवेंटिव जितने मेजर्स हैं जैसे कि आर्म्स का सत्यापन कराना, CCA का प्रस्ताव हो,
और शराबबंदी के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है, इस सभी का जो है अनुपालन किया जाएगा। और हम लोग का प्रयास रहेगा और हम लोग पूरे तरह से कमिटेड हैं कि किसी तरीके से भी प्रलोभन देकर या डरा धमका देकर जो भी वोटर्स हैं उनको प्रलोभित नहीं किया जाए। इसलिए हम लोग का टीम लगातार उसमें विजिट करते रहेंगे ताकि जितने भी कैश के मूवमेंट होते हैं उन सब पर हमारी नज़र रहेगी। और इसके साथ साथ पूरी टीम हम लोग वहाँ पर जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन की टीम वहाँ कार्यरत है और ये लगातार कार्रवाई करती जाएगी।